এসো হে বৈশাখ, এসো এসো, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো। तो फ्रेंड्स, आज है नववर्ष, हम बंगाली न्यू ईयर। तो आप सबको मेरी तरफ से शुभ नववर्ष, मेरे सारे बंगाली फ्रेंड्स को मेरी तरफ से शुभ नववर्ष। और मैं अभी से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं, देख लीजिए कितने बजे हैं, 5:15। सुबह से ब्लॉग शुरू करने का मतलब इरादा था, जो मेरा हमेशा इरादा रहता है, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो सुबह से मैं ब्लॉग नहीं शुरू कर पाई हूँ। और अभी मैं तैयार लग रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी मम्मी के घर। न्यू ईयर है, बंगाली न्यू ईयर है, शुभ दिन है, तो थोड़ा बहुत मम्मी से भी मिल लेती हूँ, उनका भी ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ आज के दिन। तो न्यू कुर्ती पहनी है मैंने, मैं दिखाती हूँ ठीक से। न्यू ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है, और मेरे हस्बैंड ने मुझे नाइटी दिया है, जो मुझे बहुत पसंद है। नाइटी मैंने अभी उस रूम में मैंने चेंज किया है, चेंज करके भी रख के आई हूँ। जब मैं लौटूंगी, नाइटी पहनूंगी, तो आप लोगों को नाइटी भी दिखाऊंगी, अगर तब तक ब्लॉग चला तो अभी से मैं ब्लॉग शुरू तो अभी से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। पता नहीं कब तक मैं खींचूँगी, कितना देर तक मैं खींच पाऊँगी, आज ख़त्म होगा या मैं कल ख़त्म करूँगी, मुझे ये भी नहीं पता। बस न्यू ईयर को पहला बैशाख के दिन ब्लॉग शुरू करना था, तो मैंने शुरू कर दिया। तो अभी मुझे निकलना है, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड को शॉप जाना है, तो मुझे वो मम्मी के घर छोड़ के फिर शॉप जाएंगी। तो आप लोगों को लेके चलती हूँ अपनी मम्मी के घर। उससे पहले मैं अपना ये न्यू कुर्ती दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरा, 1 सेकेंड, मैंने लाइट ऑन कर दिया। ये देखिए मेरा न्यू कुर्ती, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा कलर मेरा और भी है, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, तो मैंने ये लिया। उसके साथ मैंने ये प्लाजो पहना है, प्लाजो नहीं, पटियाला पैंट टाइप का ये मैंने पहना। ये मैंने दीघा जाने से पहले लिया था, ब्लर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी चलती हूँ, आप लोगों से मम्मी के घर जाके मिलती हूँ। तो हम आ गए हैं मम्मी के घर। तो मम्मी के घर में ये है चिंकी, और ये है मेरी सिस्टर से है शुनावशो। और मेरा बेटा वहाँ पे कुछ कर रहा है काम, और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है। यहाँ पे पूजा कर रही है। माँ बोलो सुनो 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 सुनो। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, और पूजा करने के बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा बाहर घूमने। यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे हम लोगों का इनविटेशन है, तो मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे ससुराल से भी इनविटेशन है, और यहाँ से भी इनविटेशन है, एक ही जगह पे। तो सासू माँ आएंगी, सासू माँ आके फ़ोन करेंगी शॉप पे जाने से पहले, तो हम लोग घर से निकलेंगे फिर वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे शायद मैं वीडियो ना कर पाऊँ, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो मैं शायद ना वीडियो कर पाऊँ। और तो यहाँ पे थोड़ी देर गप्पे लड़ाती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी घर। यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हैं, मिठाई विठाई खाते हैं। मिठाई मैंने ऑलरेडी एक खा लिया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्रसाद है, मम्मी ने खाने को दिया था। कहाँ गया ये रे, मम्मी ने मुझे खाने को दिया था लेकिन मैंने नहीं खाया। अभी खाने का मन नहीं है, सुबह से इतना ज़्यादा मीठा खा रही हूँ ना, अभी और मन ही नहीं कर रहा है मीठा खाने का। और यहाँ पे देखिए कुछ गिर गया है, मैं ज़रा पोंछ लेती हूँ, नहीं तो मम्मी डांटेंगी मुझे। तो अभी हम लोग निकले हैं घर से, और मैंने मास्क पहना हुआ है, थोड़ा ये मास्क जो है थोड़ा सा मोटा है, तो मेरी आवाज़ आप तक कितनी पहुंच रही है मुझे नहीं पता। और अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट की तरफ, वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे हम लोगों का इनविटेशन है, और पीछे मेरी बहन आ रही है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो
तो फ्रेंड्स मैं घर आ चुकी हूँ। मैं गई थी मम्मी के घर, आप लोगों को दिखाया, उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट में। वहाँ पे हम लोगों के कुछ शॉप्स में हम लोगों का इनविटेशन था। क्या है कि आज के दिन हमारे यहाँ पे सारे शॉप्स पे गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और हाल खाता जिसको हम लोग बोलते हैं, हाल खाता होता है, मतलब सब अपने दुकान में नए नए खाता, जो हम लोग हिसाब निकास के जो खाता होता है, जो जिस पे हम लोग हिसाब निकास हिसाब किताब जो करते हैं, वो नया आज के दिन शुरू होता है, तो हाल खाता बोलते हैं आज के दिन हम लोग। तो जाते हैं शॉप में, जाते हैं मिठाई वगैरह खाते हैं, तो हम लोग गए मिठाई वगैरह खाए, तो बहुत कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा जगह नहीं जा पाए, कुछ कुछ जगह पे गए क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। मतलब इतना भीड़ था कि क्या बताऊँ, मतलब खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, और बाइक्स इतने ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, यहाँ से बाइक आ रही, यहाँ से बाइक जा रही, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे कि हम लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे तो वीडियो शूट करने के तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या है कि मैं जो बोलना चाहती हूँ, कोई भी उत्सव हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मेरा ब्लॉग सिंपली आता है, क्योंकि हम लोग सिंपल, एकदम से सिंपल लाइफ जीते हैं। कुछ भी नया आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाती हूँ पूजा वगैरह में, क्योंकि जब नया कुछ दिखाने का होता है तब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, और जब दिखाने का टाइम होता सब कुछ चला जाता है। मतलब जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ कुछ भी दिखाने लायक नहीं रहता है। मतलब आज मैंने पोला बैशाख के ब्लॉग में अगर सुबह को शुरू करती तो कुकिंग दिखा सकती थी, और मैंने बहुत कुछ किया था, पूजा वगैरह वो हम लोग दिखा सकते थे, लेकिन सुबह से मैंने व्लॉग शुरू ही नहीं किया है, बस कामों में ही व्यस्त थी। तब मेरा कैमरा, मतलब क्या होता है, कैमरा ऑन करने की बात तब मेरे ध्यान में ही नहीं रहता, ऐसा हो जाता है, इसलिए मैंने शाम से शुरू किया है व्लॉग, और अभी तो ज़्यादा मैं कुछ दिखा भी नहीं पाई हूँ, तो ये व्लॉग शायद कल तक जाएगा, क्योंकि अभी मेरे आँखों से आपको पता चल रहा है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। दोपहर को थोड़ा आराम भी नहीं कर पाई, जिसकी मुझे आदत है आप लोगों को पता है, और मम्मी के घर चले गए, मम्मी के घर भी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी के घर ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बातें की, अगर तब बातें की फिर मम्मी हम सब एक साथ ही निकल गए, और थोड़ी देर जो हम लोग बैठे तब अगर मैं ब्लॉग करने में निकाल देती तो बातें कब करती। और जब मैं बातें करने बैठती हूँ अपनी मम्मी अपनी बहन के साथ, तो मैं ब्लॉग्स वगैरह सब भूल जाती हूँ, ऐसे ही हूँ मैं, ऐसी हूँ मैं, हो जाता है मेरे साथ। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग जो है मैं कल कंटिन्यू करूँगी, कल मैं ये ब्लॉग को फिनिश करूँगी, क्योंकि अभी मुझे जाना है नीचे, कुछ काम है, और ये ब्लॉग मैं अभी और कंटिन्यू नहीं करूँगी, और मुझे जल्दी जल्दी आज सोना भी है, बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ, तो डिनर की प्रिपरेशन कर लूँ अभी जाके। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल सुबह को, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह ब्लॉग करना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कल रात को मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह सुबह आऊँगी, तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ, और अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर भी मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया। अभी मैं खा रही हूँ ओट्स, जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, उन्होंने कहा है ओट्स खा लो क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर रही हो तुम, और मैं बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर रही हूँ, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों मैं इतना वेट पुट ऑन कर रही हूँ। तो मम्मी ने कहा ओट्स खाओगी और सिर्फ पानी से खाना, मैं मिल्क नहीं पीती हूँ, मुझे मिल्क पीना अच्छा नहीं लगता है, और मिल्क मुझे सूट भी नहीं करता है, मिल्क पीने से मुझे उल्टी सी आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं तो मैं मिल्क के साथ ओट्स ले लेती। मैं पहले खिचड़ी करके खाती थी तेल वगैरह डाल के थोड़ा टेस्टी बना के, तो मेरी मम्मी ने कहा है कि वैसा मत खाना, अगर मिल्क नहीं खाती तो पानी के साथ खाना, तो मैंने पानी के साथ मैं ओट्स ले रही हूँ, कल से ले रही हूँ, लेकिन इट्स डिजास्टर, बहुत ही खराब लगता है खाने में। तो मेरी सासू माँ बोल रही है, मेरी सासू माँ बोल रही है कि अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत खाओ, लेकिन मम्मी ने दिया है तो खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उन्होंने कहा है खा लो, थोड़ा वेट लूज करने का कोशिश करो, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है, थोड़ा बहुत टेस्ट में फ़र्क आएगा, लेकिन बॉडी के लिए इतना तो बनता ही है। तो ये मैं धीरे धीरे ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत ही टेस्टलेस है, और जब खिचड़ी करके खाती थी तब भी बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा लगता था, बस अच्छा लगता, मतलब ओट्स कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, जब खिचड़ी बना के खाती थी तो खाया जा सकता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा है, एकदम से बहुत ही बढ़िया लग रहा है खाने में। तो फ्रेंड्स आज सिजीत का मैच है, तो मैं सिजीत को, सिजीत के हर दूसरे दिन ही मैच रहता है,
अभी मुझे सुजीत को ले जाना पड़ेगा मैच के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी शॉप में है और उनको वहाँ इस वक्त शॉप से निकलने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे शॉप पे कोई नहीं होता, वो अकेले होते हैं, शॉप खाली छोड़ के आना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जाके उसको पहुँचा के दे आऊँ और वो थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा सुजीत को ले के। तो मैं ये ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ, सुजीत को भी तैयार कर देती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से फिर बात करती हूँ, क्योंकि अभी मैं बात करने बैठूँगी तो बहुत देर हो जाएगी। और तो मैं रेडी वगैरह हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और सुजीत भी तैयार हो चुका है, यहाँ से थोड़ा डर कर रहा है, तो सुजीत भी तैयार हो चुका है। सुजीत यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से साउंड दे के कार्टून देख रहा है। ये देखिए हमारा प्लेयर रेडी है, तो अभी हम लोग निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। जाते जाते यहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं कि पता नहीं, क्योंकि यहाँ से रिक्शा टोटो वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर जाना पड़े तो पैदल ही जाना पड़ेगा अगर कुछ ना मिला तो, और काफ़ी धूप है। तो मैं घर आके फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ, अभी के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुकी हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा मतलब कातिलाना धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है। यहाँ से मुझे एक रिक्शा मिल गया था और लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, रिक्शा के लिए भी थोड़ा बहुत चलना पड़ा, उसके बाद ही हमें रिक्शा मिला, नहीं तो बेटे को लेके जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चा है ना, और उसका बैग जो है क्रिकेट के जो किट के बैग होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा हैवी है, लेने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो वो कैसे कैरी करेगा, मैं ही कैरी नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद सब प्रिपरेशन चल रही थी मैच की, तो मैं थोड़ी देर बैठी फिर मैं चली आई। उसके बाद उसके पापा जाएंगे उसको लाने, और उसके लंच का टाइम हो जाए तो उसके पापा जाएंगे उसको खिला भी देंगे, और नहीं मैं और नहीं जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा धूप है, पता नहीं इस धूप में कैसे खेलेगा। तो उनको आदत हो चुकी है, मेरे बेटे को आदत हो चुकी है, और बाकी जो बच्चे होते हैं प्लेयर्स होते हैं उनको आदत हो चुकी है, लेकिन हम लोग माओं को तो टेंशन होती है ना कि कैसे रहेगा, कैसे खेलेगा, पता नहीं पानी पिएगा भी नहीं, यार ये क्या ये निकल जाता है, ये क्या है ये पता नहीं, ये जो कपड़ा ये इसका स्टिचिंग ठीक से नहीं हुआ है, निकल जाता है, मैंने ऑनलाइन लिया था और ये ऐसे हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है मैंने पहला बैशाख से शुरू किया था, लेकिन पहला बैशाख का ज़्यादा प्लान मेरा जो फ्लॉप हो गया, जो ब्लॉग बनाने का मेरा प्लान था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। तो आज मैंने थोड़ा बहुत कंटिन्यू किया ये ब्लॉग, तो ये ब्लॉग जो मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी, ये ब्लॉग मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। टिल देन बाय।